अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के एक बयान ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। उनका एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि राजा पटेरिया कह रहे हैं कि यदि भारतीय संविधान बचाना है तो पीएम मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहना होगा। हालांकि विवाद गहराने के बाद कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने ये कहते हुए सफाई दी है कि उनका ये कहने का आशय नहीं था। वे गांधी के अनुयायी हैं। पीएम मोदी की हत्या वाले बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी और मैं हूं आपके साथ अनु अंसारी। आइए पहले देखते हैं वो वीडियो। ये मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों को, आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या एक दंड है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद राजा पटेरिया ने सफाई देते हुए ये कहा। कल मंडलम सेक्टर के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है, जिसमें मुझे बताया गया कि मैंने बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे फर्स्ट बाइट टीवी और हाँ, हमारे वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या ओशा कॉम्प्लेक्स, ईवेस्ट चौराहा, मेरठ।